ये ख्वातीन हज़रात, हर वो बंदा जो कल इंडिया के लिए रूट कर रहा था, उसका अब यही एक्सप्रेशन है कि क्यों, आखिर क्यों इंडिया ने चेज नहीं किया। एक टाइम था कि भारत पूरी तरह कंट्रोल में था गेम के, लेकिन धोनी और धोनी के साथ एक और जो बैट्समैन थे, उन्होंने बिल्कुल कोई चेज नहीं किया, बिल्कुल हिम्मत हार दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के कह रही थी कि आज तो हमने नहीं खेलना, जो मर्जी दुआएं कर लो, आज तो हमने नहीं जीतना। पैंट और पांड्या, नाजरीन ये दो बैट्समैन जिन्होंने कोशिश की कि पूरी तरह कंटेन करें, और ऐसा लग रहा था जैसे वो 150 रन का टारगेट चेस करें 337 के मुकाबले में। इस हवाले से सोशल मीडिया पे क्या रिएक्शन है, आपको दिखाते हैं कुछ ट्वीट्स ख्वातीन हज़रात आपके सामने जो स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले वकार यूनुस कहते हैं कि इट्स नॉट हु यू आर, इट्स व्हाट यू डू इन द लाइफ व्हाट डिफाइंस हु यू आर। आई एम नॉट बॉदर्ड पाकिस्तान गेट द सेमीज और नॉट, बट दिस थिंग इज फॉर शो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द फ्यू चैंपियंस गॉट टेस्टेड एंड दे फेल्ड बैडली। यानी कि आप कौन हैं, इससे कोई मकसद नहीं है, आप क्या हैं ये असल बात है कि अगर पाकिस्तान सेमीज खेलता है या नहीं खेलता। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना था और आप उसमें नाकाम हुए, नाम नहीं लिया। जी एग्जैक्टली। उसके बाद फिर काशिफ बासी ने भी ट्वीट की कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया दिस मैच इज नॉट फिक्स्ड, देन व्हाट इज इवन कमेंटेटर्स आर बैफल्ड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, सेज गौरव गंगोली। गिव इट अ गो एट लीस्ट, सेज नासिर हुसैन, ऑन द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्टेज वर्ल्ड कप एंड दिस हैपेंस राइट अंडर द नोज ऑफ ICC। काशिफ वासी ने ट्वीट किया है, शेमलेस, कोई शर्म नहीं कोई हया होती है। और उसके बाद मतलब इंडियंस क्या कहते हैं जी, अब वो शिवाद जनाब अर्नाब रे जो के बड़े फेमस ऑथर हैं, राइटर हैं, वो लिखते हैं कि जनाब लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन द स्पाइनलेस डिस्प्ले, ये लफ्ज यूज किया है कि द स्पाइनलेस डिस्प्ले बाय धोनी इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम, इट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एडवर्टाइजर्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन डिसीजंस देन फॉर्म। ये तब होता है जो स्पाइनलेस डिस्प्ले, जैसे रीढ़ की हड्डी किसी में ना हो तो वो रींगता रींगता चलता है। ये डिस्प्ले जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, ये बिल्कुल तब होता है कि जब एडवर्टाइजर्स स्पॉन्सर जो है वो गेम डिसाइड कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि लोगों की फॉर्म। इसके बाद उन्होंने भी बोला कि जो धोनी के जितने भी फैंस हैं वो फील फ्री, मतलब आप मुझे ट्रोल करें और दबा के आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बैकलैश इसके बाद बहुत ज्यादा आया। और मैं देख रही थी कि कल ट्विटर पे जो इंडियन फैंस है क्रिकेट के, वो कह रहे थे कि भाई हार जीत तो गेम का हिस्सा होती है, और कल नहीं था, आज हमारे पास मैच नहीं था,